ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की इस लेक्चर सीरीज में आज हम चैप्टर 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है और चैप्टर 5 सेक्शन 105 से लेकर के 117 तक लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रोविजंस को होल्ड करता है। इस वीडियो में आज हम पर्टिकुलरली सेक्शन 105 जो कि लीज को डिफाइन करता है उसे समझेंगे विद नोट्स। एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स में कई बार ये पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लीज, तो एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लीज को हिंदी में पट्टा कहते हैं। ठीक है, लीज को अगर हम एकदम सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है कि एक लीगल अग्रीमेंट जो अलाउ करता है एक पर्सन को कि वो किसी दूसरे पर्सन का इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज कर सके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए और उसके बदले में वो उसे अमाउंट पे करे। दिस इज कॉल्ड एज लीज इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं लीज क्या है। मान लो ए ही इज द ओनर ऑफ फील्ड। ए इस फील्ड का ओनर है, बट ड्यू टू सम रीजंस, इसके कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से वो इस फील्ड पर फार्मिंग नहीं कर सकता है। अब कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी ए फार्मिंग करना जानता ही नहीं हो, या ये किसी जॉब में हो। तो ये क्या करता है, ए ओनर ऑफ द फील्ड ये अपने लैंड को बी को देता है, गिव्स हिज लैंड टू बी फॉर 5 years, 5 सालों के लिए फॉर फार्मिंग पर्पस। किस पर्पस के लिए, फार्मिंग के पर्पस के लिए। ऑलराइट, बी इन रिटर्न इसके रिटर्न में रिवॉर्ड पे करता है ए को। ठीक है, तो तीन बातें हैं। एक पर्सन जो अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को ताकि वो पर्सन इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज करे और उसके बदले में उसे कुछ अमाउंट पे करे। तो पर्सन ट्रांसफरिंग हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी उसे हम ट्रांसफरर कहते हैं। और जब हम लीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे हम लेसर कहेंगे, लेसर ट्रांसफर। सिमिलैरिटीज देखो, ठीक है, तो लेसर इज ट्रांसफरर हु ट्रांसफर्स हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। अब लीज में देखो, लीज में ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, मॉर्गेज में इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, लेकिन लीज में राइट का ट्रांसफर होता है, राइट ऑफ एंजॉयमेंट या राइट ऑफ यूज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो लीज में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनली राइट ऑफ एंजॉयमेंट इज ट्रांसफर्ड by transferor। B, A के immovable property को accept कर रहा है, यानी B is accepting the right
ऑफ एंजॉयमेंट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, बी ट्रांसफरी है और लीज के टर्म में ये लेजी है, ठीक। अब बी क्योंकि ए का इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो इसके बदले में वो कुछ ना कुछ कॉन्सिडरेशन पे करेगा। नाउ ये जो रिवॉर्ड पे करेगा बी ए को, ये कई सारे फॉर्म में हो सकते हैं जिन्हें अभी हम समझेंगे, राइट है। तो ये है लीज, क्लियर है। अब देखो अगर हम बेयर एक्ट कैसे लीज को डिफाइन करता है उसे समझें तो देखो कहता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस, क्या मतलब है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे सिंप्लीफाइड किया गया है आपके कन्वीनियंस के लिए। तो लीज मींस ट्रांसफर ऑफ राइट, राइट का ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा फॉर सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के लिए और इन परपेचुइटी, यानी लीज में राइट ऑफ एंजॉयमेंट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, यानी ड्यूरेशन में भी फिक्स्ड, हमने ड्यूरेशन फिक्स कर दिया है किस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज करोगे और इन परपेचुइटी मतलब ड्यूरेशन ऑफ यूज इज नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ राइट फॉर सर्टेन पीरियड और इन परपेचुइटी मतलब पीरियड नॉट फिक्स्ड एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, यानी बाय वर्ड्स और इन राइटिंग और बाय एक्ट, ठीक है। तो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली हमने राइट का ट्रांसफर किया है सर्टेन पीरियड के लिए या परपेचुइटी में इन कंसिडरेशन ऑफ, किसके कंसिडरेशन में, देखो अब यहां पे चार फॉर्म्स के बारे में बात किया गया। पहला कहता है प्राइस पेज और प्रॉमिस्ड, इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस पेज और प्रॉमिस्ड। दूसरा मनी, तीसरा शेयर ऑफ क्रॉप्स, या चौथा सर्विस और अदर वैल्यूएबल थिंग्स। दिस इज कॉल्ड एज लीज एज पर योर बेयर एक्ट। यानी अगर इसे हम और सिंप्लीफाइड करें तो हम ये कह सकते हैं कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है राइट का ट्रांसफर होना, राइट ऑफ एंजॉयमेंट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना सर्टेन पीरियड के लिए जिसमें पीरियड ऑफ यूज फिक्स्ड है, या परपेचुइटी में वेयर द पीरियड फॉर यूज इज नॉट डिटरमाइंड एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली, यानी बाय वर्ड्स और बाय एक्ट, इन कंसिडरेशन ऑफ, किसके कंसिडरेशन में, प्राइस पेज और प्रॉमिस्ड, मनी, शेयर ऑफ क्रॉप्स, सर्विस और अदर वैल्यूएबल थिंग्स, क्लियर है। अब जब हम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां प्राइस का मतलब है प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स एंटायर पेमेंट इन वन इंस्टॉलमेंट। आपने ए का इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए लीज लिया तो उसके बदले में जो आपने प्राइस पे किया एक ही बार, दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रीमियम कहेंगे। तो प्रीमियम इज प्राइस पेड फॉर ऑब्टेनिंग लीज। नाउ प्रीमियम कैन बी गिवन बिफोर टेकिंग लीज और आफ्टर टेकिंग लीज, यानी लीज को लेने से पहले आप
एक मुश्त में पेमेंट अगर कर दे रहे हो तो वो भी ठीक है, या लीज लेने के बाद आप एक मुश्त में पेमेंट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स वन टाइम पेमेंट, लम सम पेमेंट फॉर टेकिंग लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए अब जब हम पैरा टू ऑफ सेक्शन 105 को पढ़ेंगे तो यहां लीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया है, जैसे लीजर कौन है, लीजी कौन है, प्रीमियम क्या होता है एंड व्हाट इज रेंट। चलो लेजर, लेजर मींस ट्रांसफर, जो कि अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। यहां पे ए इज ट्रांसफर, राइट, हु ट्रांसफर्स हिज लैंड टू बी, तो ए कौन है, लेजर हुआ। ठीक है, लेजी कौन है, लेजी ट्रांसफरी, जो कि ट्रांसफर को एक्सेप्ट करता है, या हु ट्रांसफर्स हु एक्सेप्ट द राइट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट को एक्सेप्ट करता है उसे हम ट्रांसफरी कहते हैं, या उसे हम लेजी कहते हैं। प्रीमियम, व्हाट इज प्रीमियम, प्राइस पेड वन टाइम फॉर ऑब्टेनिंग लीज इज कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, अब रेंट क्या है, देखो रेंट मींस मनी, शेयर ऑफ क्रॉप्स, सर्विस और अदर वैल्यूएबल थिंग्स। देखो प्रीमियम में वन टाइम पेमेंट होता है, जबकि रेंट में पीरियोडिकल पेमेंट होता है, राइट, कई सारे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होता है रेंट में, इट मे बी मंथली और इट मे बी क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट। ठीक है, तो रेंट में मनी, शेयर ऑफ क्रॉप्स, सर्विस और अदर वैल्यूएबल थिंग्स आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रेंट, सॉरी व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीज, लीज के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स। देखो पहला कह रहा है पार्टीज, तो दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक लेजर और दूसरा लेजी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज, लीज का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लीज में ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ड्यूरेशन ऑफ एंजॉयमेंट सर्टेन पीरियड के लिए हो सकता है, या परपेचुटी में, पीरियड नॉट डिटरमाइंड। और कंसिडरेशन या तो प्रीमियम में हो सकता है या तो रेंट में हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि सेक्शन 105 आपको सिंपल वर्ड्स में समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू।